हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज एक गुड न्यूज़ आई है। जो लोग यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं उनके लिए आज दो दो खुशखबरियाँ आई हैं। ठीक है, एक तो देखिए यूपी कांस्टेबल का जो रिजल्ट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ था 2018 रिक्रूटमेंट का, उसका आज मेडिकल के लिए जो लोग सफल हुए हैं उनका रोल नंबर घोषित कर दिया गया है। और मेडिकल के लिए जो सफल पाए गए उनकी संख्या 49,568। ठीक है, साथ ही में आपका अगला यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आज विभिन्न न्यूज़पेपरों के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आज का वीडियो उसी को लेकर है। तो जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हम अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए न्यूज़पेपरों में जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, सबसे पहले अगर हम दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण में आप देखोगे कि सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम में पाए गए 49,568 सफल अभ्यर्थी। ठीक है, और इन लोगों के लिए आपको मेडिकल के लिए कॉल आएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका इसमें दिया हुआ है कि ये जो भर्ती परीक्षा थी ये 2018 अक्टूबर की भर्ती परीक्षा थी, और इसमें जो लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल हुए थे वो 23 लाख अभ्यर्थी थे। ठीक है, और मेरिट के आधार पर इसमें से 1,23,000 अभ्यर्थियों का जांच और परीक्षा शारीरिक परीक्षा में सफल हुए थे। ठीक है, और अंतिम रूप से जो घोषित परिणाम है उसमें जो सफल अभ्यर्थी हैं वो 49,568 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, इनको मेडिकल के लिए कॉल किया जाएगा। तो देखिए जो लोग इसमें असफल हैं वो भी निराश ना हो। ठीक है, क्योंकि उनके लिए अगला एडवर्टाइजमेंट जल्दी आने वाला है और हो सकता है कि इस मार्च में वो एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाए। और देखिए वो जो एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड होगा वो दरोगा भर्ती परीक्षा से होगा, जिसमें एक्सपेक्टेड जो भर्ती है वो 5,623 भर्ती है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है। जो लोग यूपी कांस्टेबल और एसआई की तैयारी करते हैं तो जिनका हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल होपलेस ना हुए, क्योंकि अगले मंथ में ही जहाँ तक है आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल का। ठीक है, तो आज के दैनिक जागरण का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पेज, और उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, देखिए अगर हम अन्य न्यूज़पेपरों की बात करें तो आपके हिंदुस्तान में भी दिया गया हुआ है। देखिए आप हेडलाइन देख रहे होंगे, इसमें दिया गया है कि पुलिस को मिले 49,568 सिपाही। ठीक है, और 5,000 भर्तियां जल्द होंगी। ठीक है, तो इसमें जिसका नहीं हो पाया वो बिल्कुल होपलेस ना हो, क्योंकि 12,000 भर्तियाँ जल्द होने वाली हैं। ठीक है, और ये जो भर्तियाँ होंगी ये किससे किससे रिलेटेड हैं, तो आपका सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड है 5,623 पोस्ट, फिर आपका बंदी रक्षक से रिलेटेड है 3,638 पोस्ट, घुड़सवार पुलिस से रिलेटेड 102 पोस्ट, और फायरमैन से रिलेटेड है 2,063 पोस्ट। ठीक है, तो कुल मिलाकर 12,000 भर्तियां जल्द ही आपके मार्च के लास्ट तक आ जाएंगी जहां तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और ये जो अभी पुरानी भर्ती थी 2018 सिपाही की जो भर्ती हुई थी, तो उसका लिखित परिणाम और फिजिकल के बाद मेडिकल के लिए जो लोग सफल हुए हैं उनका नाम घोषित कर दिया गया है, उनका रोल नंबर आप देख सकते हैं। और इसमें जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या है 49,568, और जो इसमें असफल हुए हैं वो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि उनके लिए भी अगला एडवर्टाइजमेंट जल्द आने वाला है। ठीक है, देखिए यही सब चीज़ें आपके अमर उजाला में भी दिया हुआ है और इसकी भी डिस्कस करें तो देखिए आपका दिखा हुआ है कि 49,568 जो अभ्यर्थी हैं वो सफल पाए गए हैं आपके 2018 सिपाही भर्ती परीक्षा में। ठीक है, और जो लोग असफल हुए हैं बिल्कुल निराश ना हुए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि उनके लिए 12,000 पद जल्दी ही स्वीकृति हो गया और आपका उसका एडवर्टाइजमेंट जल्दी ही आपका मार्च के लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है, और उसके लिए हमारे बैचेस भी प्लान हो चुके हैं, तो अगला वीडियो जो होगा वो इसी बैचेस से लेकर होगा कि उसका बैच कब स्टार्ट होने वाला है। एक्सीड हमेशा आपके सिलेक्शन के लिए कुछ नया करता है, तो इस बार भी आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट करने वाला है एक्सीड। ठीक है, और देखिए इस भर्ती परीक्षा में भी जो आपके 49,568 सिपाही सफल हुए हैं, इसमें काफ़ी अधिक बच्चे हमारे कोचिंग से भी हैं, तो आप लोग भी अगर इसमें सफल होना चाहते हैं, इस 12,000 भर्ती में अपने नाम को पाना चाहते हैं, तो अब अगला वीडियो हम इसी को लेकर आएंगे कि आखिर इस भर्ती परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके बैचेस कब स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन बैच कब स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी हो या हमारे बैच से रिलेटेड कुछ क्वेरियाँ हो तो
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग इसमें सफल हुए मेडिकल के लिए उनको बहुत बहुत फिर से एक्सीड की तरफ से ढेर सारा कंग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं। चलिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।